ये देखिए, ये है भैया अंदर की तरफ तो भैया आज है 23 तारीख और आज काफी लोगों ने दर्शन किया है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। अभी अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन चलिए अब देखते हैं और किस तरीके से जो है अयोध्या नगरी में भीड़ है, क्योंकि 23 तारीख को हुआ है पहला दर्शन रामलला का, रामलला की प्रतिष्ठा होने के बाद। तो चलिए देखते हैं, अभी होने वाली है शाम और लेते हैं अपडेट और देखते हैं किस तरीके से दर्शन हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जय जय श्री राम। भंडारे और लंगर तो आप लोगों को लगातार अयोध्या नगरी में देखने को मिलने वाले हैं, तो आइए देखते हैं, कुछ मिल जाता है तो खा पी लेंगे भाई। देखिए यहाँ पे बादाम दूध का जो है भंडारा किया जा रहा है, अभी लेते हैं। देखिए सबसे इधर भी मिल गया। जय हो, जय हो। लेते हैं भैया बादाम दूध, आप लोग भी कीजिए सेवन। जय जय श्री राम। तो लोग तो भाई बादाम का दूध तो पी लिए, लेकिन गंदगी देखिए किस तरीके से फैलाए हैं। देखिए यहाँ पे हर तरफ जो है केवल ग्लास फेंके हैं, तो थोड़ा सा ये अभद्रता फैलाते हैं, जबकि हर जगह पे जो है आपको डस्टबिन देखने को मिल जाता है। भैया पहुँच चुके हैं मेन द्वार पे, अपने श्री राम लला के मेन द्वार पे, और सिक्योरिटी देख सकते हैं किस तरीके से जो है इतना हाई सिक्योरिटी है, इधर हाई सिक्योरिटी है। देखिए ये देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी है यहाँ पे। अब चल के देखते हैं अंदर जाने का पूरा माहौल मिलता है, मौका मिलता है तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए पुलिस प्रशासन के बीच में लगी है लाइनें, बिना लाइन कोई जा भी नहीं सकता अंदर। ये देखिए भाई साहब बहुत ही जबरदस्त, अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ भी हम बाहर हैं, बाहर से अंदर जाने के किस तरीके जो है लाइनों का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद जो है श्री राम जी के भव्य दर्शन होंगे। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर लाइनें हैं यहाँ पे, अंदाजा आप लगा लीजिए कि यहाँ से 500 मीटर अंदर राम जी का भव्य दरबार है, और दरबार के बाहर लाइनें किस तरीके से लगी हुई हैं, और पुलिस प्रशासन काफ़ी अच्छे तरीके जो है लाइनों का जो है पूरा कंट्रोल करके रखे हैं। ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त वाली लाइन है भाई। ये देखिए और भी आगे लाइन है, बहुत मतलब रोड पर लाइनें लगी हैं दर्शन करने के लिए। ये होता है प्यार लोगों का भगवान के प्रति, देखिए किस तरीके से जो है भाव है। तो पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो है लाइन का जमाव है ना, वो भक्तों का जो जमावड़ा है पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो लगभग लगने वाले हैं 3 से 4 घंटे या बोल सकते हैं 5 घंटे, क्योंकि दर्शन करने में लगेगा समय, और लगातार लाइनों का जो कंट्रोल किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से जो है किया जा रहा है। आगे आप लोगों ने अभी भीड़ देखा होगा, हमने आपको दिखाया है, और ये देखिए गेट सामने, ये सामने का जो गेट है ये देखिए। जय श्री राम। कितना उत्साह भाई, कितना उत्साह है, कहाँ से आप लोग? दिल्ली बिल्ली से लोग आए दर्शन करने, दे सकते हैं यहाँ पे भोपाल से, भोपाल दिल्ली पता नहीं कहाँ कहाँ से, बिहार बिहार से लोग आए, गया बिहार से। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे अभी एंट्री करने के लगभग लगने वाले हैं 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे, अभी क्योंकि लाइनें बहुत लंबी है, लगभग 2 किलोमीटर की लाइन है ये। ये देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ब्लॉगर शिवा, ब्लॉगर शिवा जी। जय श्री राम। रेल लग चुके हैं लाइन में, देखिए गेट के भी पास ही है और अभी अंदर ही नहीं घुस पा रहे हैं। चलिए देखते हैं, कोई बोला दर्शन होगा, अंदर जाकर कहीं पता चलता है। चलिए देखते हैं, प्रशासन के बीच से निकल रहा हूँ भाई। ये देखिए एक बीच में लाइन है, दो लाइन आकर के मिल गई है, और यहाँ पे देखिए प्रशासन के बीच से निकल रहे हैं। तो भाई बस थोड़ा सा और अंदर, उसके बाद चलिए देखते हैं कितना अंदर अभी और चलना है। बट ठीक है, आप दर्शन तो कर ही लेंगे, आज पहले दिन का दर्शन है, और देखिए किस तरीके जो है लाइनें लगी हुई है यहाँ पे। पीछे तक लाइनें थी अभी तक, लेकिन थोड़ा अभी लाइन कम हुई है। देखिए जूते चप्पलों की यहाँ पे भंडार, जो मन के वो पहन लो भाई। यहाँ पे यहीं पे उतार दिया गया है, चलिए देखते हैं अभी दर्शन करने के लिए अंदर आगे मंदिर के उतार जो होगा। जय श्री राम। चलते हैं अभी, ये देखिए नज़ारे देखिए भाई, दर्शन करने वाले जो नज़ारे, अगरबत्ती सुंदर लग रही है, मंगलादीप की अगरबत्ती कंपनी द्वारा निर्मित। देखिए यहाँ पे तीर्थयात्री सुविधा केंद्र, स्कैनिंग तलाशी क्षेत्र, मंदिर परिषद परिषद, तो ये काफी सुंदर जो है इन्होंने लगा रखा है यहाँ पे। चलो चलो भैया, आज अपना यहाँ पे पहला दर्शन और 23 तारीख है, तो काफी खुशी का जो है माहौल है, और अंदर से जो है जो भावना आ रही है वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, पूरा अंदर से जो है केवल जयकारे निकल रहे हैं। हमारे भाई का तो गला भी बैठ गया है, हमारे कुमार जी का जो है गला बैठ गया है। जय जय श्री राम। अभी हम लोग देखिए रास्ते में राम पथ मार्ग से बोले जय जय श्री राम। देखिए लोग यहाँ से वापसी भी कर रहे हैं, जो दर्शन करके लौटे हैं जो दर्शनार्थी, ये देखिए इधर जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस तरीके से जो माहौल मिला जाता है भाई, जय जय श्री राम के नारे लगवाने हैं तो पूरा वाइब लेके आना पड़ता है।
यही है संघर्ष और यही है प्यार। जय श्री राम। पहला चेक पोस्ट जिसको भी तैयार किया गया कुछ समय पहले, यहाँ से क्रॉस करके फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी ये लॉकर की जो व्यवस्था है यहाँ पे है, और दर्शन के लिए लाइन में अभी लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो कहते हैं ना कि लोग दूर दराज से आए हुए हैं, तो हमारे भैया जी हमारे साथ हैं। भैया कहाँ से हैं? बैंगलोर से। बैंगलोर कर्नाटका से आए हैं। लगभग 2,500 किलोमीटर होगा समथिंग यहाँ से। लगभग 2,000 के आसपास होगा, 2,000 के आसपास। किससे आए आप वहाँ से? एरोप्लेन। एरोप्लेन से भैया दर्शन करने आए श्री राम जी का, तो जो भाव है लोगों का वो सामने दिख करके आ रहा है। एक बार भैया जयकार लगाएंगे, बोलो जय श्री राम। यहाँ पे होगा स्कैनिंग एरिया, जो सामान की स्कैनिंग वगैरह होती है। जब ये बन रहा था कुछ टाइम पहले, अभी ये बन करके तैयार हो गया है, तो अभी कुछ टाइम बाद इसको जो है स्टार्ट कर दिया जाए ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे सामान की स्कैनिंग लिखा भी हुआ है। चलते हैं भी आगे और देखते हैं। देखिए अमा राम मंदिर की पूरी रूपरेखा ही बदल दी गई है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने रख दिया लगेज, क्योंकि थोड़ी दूर पहले यहाँ पे बैग वगैरह नहीं ले जा सकते। चलिए लाइन में चलते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द हम लोग को दर्शन हो जाएगा श्री राम जी का, क्योंकि यहाँ पे काफी सुंदर तरीके से राम जी की भव्य दर्शन दे सकते हैं आप लोग। अभी मंदिर का जो है एक थोड़ा सा लुक देखने में मिला, थोड़ा सा देखिए इस तरीके से जो है लाइटें लगाई है, कितना सुंदर देख रहा है, दिखने में लग रहे हैं हमारे श्री राम लीला की भव्य मंदिर। चलिए लेके चलते हैं आप लोग को अंदर। और काफी सौभाग्यशाली है कि आज ही दर्शन हो गया। जब राम चाहते हैं तभी दर्शन होता है, ये बात सब है। और देखिए रास्ता कुछ इस तरीके से रास्ता है दर्शन करने के लिए जो बनाया गया है अभी हमारे दर्शनार्थियों के लिए। चलते हैं अंदर, सारी चीजें देखिए यहाँ पे। और ये सिंहद्वार से होगी अपनी भव्य दर्शन एंट्री होगी। ये देखिए भाई साहब, ये है स्वर्ग, दिस इज हेवन। चलते रहो। ये देखिए लाइन है, अलग से लाइन में भाई, वीवीआईपी लाइन में आ गए हैं। वीवीआईपी लाइन में आ चुका हूँ, जल्दी जल्दी चलते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये देखिए भाई, ये देखिए लाइन है, जय श्री राम। जितनी भीड़ आई थी भैया यहाँ पे देखिए भीड़ लग चुकी है। हाँ सिंह द्वार अभी आगे है, ये प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार पे उसके बाद जो है सिंह द्वार आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए भक्त भाई किस तरीके जो है यहाँ पे जगह लगा रहा है भैया लोग, भैया केवल फोन यूज कर रहे हैं। देखिए भक्त किस तरीके से जो है अंदर तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आराम से जय श्री राम। अरे भाई साहब ये देखिए, ओ माय गॉड, इस तरीके से यहाँ पे सुंदर भव्य देखिए बनाया गया है। अरे भाई साहब क्या माहौल है, राम मंदिर का जो माहौल है आप लोग देखिए भाई, लोग सब लोग देखिए माहौल किस तरीके से है राम मंदिर का, इतना सुंदर माहौल बनाया गया। ओ भाई साहब ये देखिए इतना सुंदर माहौल है राम मंदिर का। ओ भाई साहब हम तो बन रहे तब आए थे, उसके बाद का जो माहौल ये देखिए, तो अभी आप लोग गूंज सुन सकते हैं राम जी का जो भव्य जो माहौल बना हुआ है पूरे राम मंदिर में। अभी हम लोग पहले द्वार पे हैं, उसके बाद सिंह द्वार में चलेंगे। किस तरीके से जो है माहौल है यहाँ पे देखिए, भक्त जो है लगातार जो है जयकारे जो है गूंज रहे हैं पूरे मंदिर परिसर में। देखिए यहाँ पे पीछे साइड यहाँ पे किस तरीके जो है माहौल छाया हुआ, किस तरीके जो है लोग फोटो वीडियो रील वगैरह सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। और हम भी मंत्र पुष्ट होते हैं, हम लोगों ने कहा आप लोग वीडियो हाजिर है, पहला दर्शन है श्री राम जी का, बोले जय जय श्री राम। चलते हैं अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए लाइन, अभी यहाँ से मिलेगा आप लोगों को स्वर्ग देखने को मिलने वाला है आपको। बस थोड़ी देर बाद स्वर्ग देखने को मिलने वाला है आप लोगों को। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी चलते हैं भैया अंदर की तरफ, चल चुकी है लाइन है यहाँ पे, चलते हैं भरते हैं मंदिर करने में दर्शन करने के लिए। ये देखिए आ रहे हैं, क्या बात है, ये देखिए ये है असली स्वर्ग इसका है, इस राम मंदिर को देखने के लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं। इतना सुंदर जो है माहौल देख सकते हैं यहाँ पे भाई साहब, क्या लेजर शो चल रहा है। रात में हम लोग पहला दर्शन करने आए हैं, और शायद हम ही लोग हैं जो मोबाइल यूज करने को मिला है, हमें नहीं लग रहा है आगे चल के मोबाइल देखने को आएंगे। जय श्री राम। ये देखिए अभी हम लोग सिंह दौर से एंट्री करेंगे और अंदर चलेंगे। ये देखिए काफी सुंदर जो है माहौल बना हुआ है, बहुत ही सुंदर जो है कार्य। देखिए हम 15 नवम्बर को आए थे तब ये स्टार्ट हुआ था बना रही था, लेकिन अब इसी से एंट्री हो रही है अपने लोग की। देखिए कितना सुंदर जो है लोग यहाँ पे दर्शन करें। जय श्री राम, जय
जय श्री राम। कितना सुंदर जो है, देखिए फूलों से सजाएगा, लाइटें किस तरीके से लगाएगी आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी दिखाते हैं लाइन। देखिए एक लाइन उधर लगी हुई है और एक लाइन इधर लगी हुई है, दो लाइन है और सीधे चलेंगे दर्शन करने। वही स्थान है जहाँ पे कल वीवीआईपी बैठे हुए थे, यहाँ पे चाहे वो जितने बड़े रहे हो सब यहीं पे चेयर लगा के बैठे हुए थे और मोदी जी वहाँ पे भाषण दे रहे थे। यही परिसर है जहाँ पे आज हम लोग दर्शन करने के लिए बड़े हुए बढ़ रहे हैं धीरे धीरे निरंतर आगे की तरफ। जल्दी आगे दर्शन करवाते हैं श्री राम जी का आप लोग को भी। अभी थोड़ा सा रोका गया है क्योंकि अंदर जो है काफी जो है भारी मात्रा में भक्तगण अंदर गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए रोका गया है। जैसे ही वो बाहर आएंगे फिर हम लोग को अंदर जो है भेजा जाएगा, हम अंदर जाएंगे हम लोग दर्शन करने। तो काफी अच्छा लग रहा है और काफी मन जो है एकदम प्रसन्नचित हो चुका है, हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं कितना खुश है यहाँ पे आकर के। और एक मौका मिल गया कि आप लोगों के साथ ये वीडियो साझा करें, शेयर करें, तो लाइक करिएगा। जय श्री राम। एंट्री हो चुकी है दर्शन के लिए। क्या बोल रहे हैं, कितनी बार आ गए? ये देखिए कितना सुंदर जो है, देखिए दर्शन करने के लिए यहाँ पे किस तरीके जो है माहौल जाए हुआ और सिंह द्वार की तरफ बढ़ते हुए किस तरीके से भाई। देखिए आप जो एंट्री थी जो वीवीआईपी से बैठने की पूरी व्यवस्था की गई थी सामने आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए बढ़ते हैं आगे, कितना सुंदर जो है देखिए यहाँ पे। ओ माई गॉड, ये है हेवन। ये भाई साहब किस तरीके से सजाया गया था प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कल के दौर में जो है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए किस तरीके से। ओ माई गॉड क्या बात है, जय श्री राम। अंदर दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला है भाई साहब वो मैं सबको बयां नहीं कर सकता हूँ। काफी सुंदर दर्शन हो गया है, काफी भव्य दर्शन होने वाला है श्री राम दला के। ये देखिए कितना सुंदर इसको सजाया गया है। यहाँ पे आने के बाद जो फील होता है, जो भाव है, हम सबको बयां नहीं कर सकते। ये देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे माहौल है। ओ भाई साहब देखिए भक्तों का जो जन सैलाब आ रहा है, जो भक्त आ रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आतुर है श्री राम जी के। हम भी आतुर है भाई। अभी देखिए यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह लगाया गया है, काफी सुंदर लगातार चल रही है, काफी सुंदर कार्य चल रही है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज रात में पहला दर्शन हम लोग को प्राप्त हो रहा है रात में, काफी सुंदर लग रहा है। जय जय श्री राम। सिंह द्वार क्रॉस करके हम लोग आगे तरफ बढ़ चुके हैं और चलते हैं दर्शन करवाते हैं श्री राम लला का भव्य दर्शन करवाने वाले हैं आप सभी को। देखिए कितना सुंदर बनाया गया, ये देखिए दर्शन हो गए पूरे। थोड़ी देर के लिए कैमरा को किया गया था बंद क्योंकि वहां पे कुछ सिक्योरिटी रीजन को लेकर के जो है कैमरा दिया गया था। अभी जस्ट बाहर निकले, देखिए यहाँ पे, ये देखिए गेट से, ये देखिए यहाँ पे अभी सब बाहर आने धीरे धीरे। अभी सुंदर देखिए यहाँ पे दर्शन हो गए काफी बढ़िया से। श्री राम जी की जो मूर्ति थी वो देख के अच्छा लगा, राम जी की वही मूर्ति देख करके जो मन को जो फील आया ना भाई वो हम सबको बयान नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए कैमरे को कर दिया गया था बंद क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से, तो भाई जरूरी था बंद होना भी। काफी जो है मजा आया, मतलब काफी मन प्रफुल्लित हो गया भाई, इतना अच्छा लगा दर्शन करके। ये देखिए मंदिर एक बार फिर से आप लोग इस साइड से कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए देखिए अभी भी लोग आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हम लोग भी बढ़ते हैं आगे। लोग निकल रहे हैं दर्शन करके, हम भी दर्शन कर लिए भाई। जय जय श्री राम। लाखों हजारों में हम भी थे भाई दर्शन करने में। देखिए पीछे किस तरीके से जो है यहाँ पे दर्शन हुआ है श्री राम जी का। भाई निःशब्द हूँ मैं, निःशब्द। काफी सुंदर दर्शन हुआ, बहुत ही सुंदर दर्शन। अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ और चलते हैं, एक बार दिखाता हूँ आपको यहाँ साइड से किस तरीके जो है देखने में लगते हैं श्री राम लला की भव्य मंदिर। देखिए कितना अच्छा महल है ये श्री राम जी का। हाँ का जो प्रोग्राम हुआ था हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और देखिए यहाँ पे किस तरीके जो है राम मंदिर को सजाया गया था बाहर, जय श्री राम फूलों से जो पूरा सुसज्जित किया गया था। देखिए यहाँ पे किनारे यतो धर्म ततो जया, देखिए कितना सुंदर जो है यहाँ पे फूलों से जो है लिखा गया है, काफी सुंदर। देखिए स्वस्तिक बनाया गया और जय श्री राम का नारा किया गया, ओम बनाया गया और यहाँ पे कमल बनाया गया। भीड़ यहाँ पे लगी हुई है पब्लिक की, अभी निकली हुई है बाहर दर्शन करके, और हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि यहाँ पे दर्शन हम लोग को हो गया प्राप्त, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। ये काफी सुंदर लग रहा है, देखिए बहुत ही सुंदर जो है ये द्वार बनाया गया है। ये वी आई पी आए थे किस तरीके से यहाँ उपद्रव मचा गए हैं, पूरे कहते हैं हर चीज भंग करके रखा है उन्होंने, यहाँ पे गंद मचा रखी है पूरी। अभी वी आई पी आए थे भाई, ये देखिए। ओ भाई साहब ये बहुत सुंदर लग रहा है, जो लाइटें लगाई गई है रेड कलर की, बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई साहब। ये देखिए पीछे, ओ भाई साहब क्या महल है भाई, ये है असली स्वर्ग। अच्छे हुआ था दर्शन, देखिए कितना सुंदर जो है बनाया गया। उधर से एंट्री हुई थी और यहाँ से एग्जिट है इसके बगल है रास्ते से। ये देखिए उधर से हम लोग गए थे दर्शन किए थे और इधर से हम लोग की एग्जिट है। चलिए बाहर निकलते हैं। जो आप देख रहे हैं कल जो वीवीआईपीज आए थे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के और टांगने के लिए शू वगैरह रखने के लिए, ये देखिए यहाँ पे शू वगैरह उनका नंबर लगा हुआ था, टोकन नंबर मिला हुआ था उनको, और यहाँ इस तरीके जो है यहाँ बनाई गई थी, व्यवस्था की गई थी।
तो भाई राम मंदिर के दर्शन हो गए कंप्लीट। और अगर आप लोगों ने दर्शन नहीं किया तो राम मंदिर के दर्शन आकर कर लीजिए। मुझे नहीं पता कि आप लोग को वीडियो जो है और बनाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन भाई दर्शन हो गए कंप्लीट। और इस तरीके से दर्शन हमने कहते ना अनुभूति नहीं प्राप्त, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ऐसा दर्शन हो पाएगा। और कहते ना कि जब राम जी चाहेंगे तो दर्शन हो जाएंगे, तो दर्शन हो गए हमारे और बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही प्रसन्नचित हूँ। और आप लोग अगर दर्शन नहीं किए तो दर्शन करिए और आइए दर्शन कीजिए। जय श्री राम। वीडियो करिए लाइक शेयर करिए। पहला दर्शन था अपना और काफी अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। लाइक शेयर कमेंट जो भी करना करिए, वीडियो कर दिए फैला दीजिए चारों तरफ। वहाँ से एंट्री थी, यहाँ से एग्जिट हो गई। अभी हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ, बाकी बाद में प्रसाद वगैरह जो भी चीजें होगी देखेंगे, वो भी निकलते हैं आगे की तरफ। जय श्री राम। यहाँ पे है दान काउंटर, पैसे जमा करने के लिए दान काउंटर में आइए और पैसे जमा कीजिए। यहाँ पे देखिए टोकन वगैरह काउंटर बने हुए हैं पूरा, जैसे भी आपको जमा करना है ऑनलाइन SBI सब कुछ। यहाँ पे रसीद वगैरह भी आपको मिल जाएगी दर्शन। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे रसीद वगैरह भी मिल रही है प्रॉपर। जो है एक होता है ना कि अच्छे तरीके जो है यहाँ पे दर्शन करने के बाद जब आप दान करते हैं तो आपको एक प्रॉपर एक रसीद मिल जाती है। और बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 काउंटर हैं यहाँ पे पैसे जमा करने के लिए। तो श्री राम जो भक्त हैं, जो जमा करना चाहते हैं, जो दान करना चाहते हैं, वो आके दान करें और एक टोकन मिल जाएगा आप लोगों को भी। टोकन मैं आपको दिखाता हूँ एक बार लेकर के। तो भैया ले लिए हैं और डोनेशन करवा दिया है। तो अभी तो फिलहाल इतना ही करवाया है, जितना कहते थे उतना करवा दिया है। 100 रुपीज अभी करवाया है, बाकी बाद में फिर से करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए तो डोनेशन हो चुका है कंप्लीट। अब निकलते हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। जय जय श्री राम।